कभी न जो डरे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर जवान हर किसान का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, डरे न जो। नमस्कार, मैं हूं सीमा। अपनी फाउंडेशन देख रहे हैं अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर के युवा हल्ला बोल के बैनर तले गांधी मूर्ति के पास यहां छात्र बैठे थे और कई ऐसे लोग थे जो इस योजना का विरोध कर रहे थे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी यहां पहुंचे और उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा कि जो अग्निपथ योजना है वो युवा विरोधी है, इसलिए कोर्ट के साथ साथ सड़क पर भी प्रदर्शन जारी रहेगा। युवाओं से उन्होंने आह्वान किया कि सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाएँ। और गांधी मूर्ति के नज़दीक जो है युवा हल्ला बोल के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, कई लोग यहाँ पहुँचे थे, छात्र भी पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जो है अग्निपथ योजना को लागू कर रही है और ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है, हमारा विरोध जारी है, साथ ही साथ कोर्ट भी जाने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, छोड़ा जाते हैं उस वीडियो के साथ। के बच्चे ने क्या कहा कि ज्वाइनिंग लेटर के बाद आज कोर्ट ये लोग जा रहे हैं। अब 7,500 और 12,000 ज्वाइनिंग लेटर के बाद इन एयरफोर्स के बच्चों को 2 सालों से रोके हुआ है। इन लोगों ने घर में जाकर के ये सारे बच्चे हमारे इनके माँ बाप ने, बाप ने, पिता ने, सबने लोगों को खाना दे दिया, लड़की शादी के लिए आने लगी और अब कह रहा युवा वीर भी जाइए, ये आत्महत्या करेगा। अब कुछ लड़के कह रहे हैं कि हम यदि जाएंगे तो केस में तुम डरा रहे हो, सीआरपीसी का भी काम सेना अध्यक्ष करेंगे कि थानेदार और एसपी न्यायालय देखेगी, पीएम और सीएम और मोदी काम सीआरपीसी का चार्जशीट का काम करेंगे, डायरी भी वही लिखेंगे। हम नौकरी के लिए आपके यहाँ जाएंगे तब ना आप देखिएगा मेरा सर्टिफिकेट हम केस में है या नहीं है, पहले ही आप डरा रहे हो मुझको। तो ये डर का वातावरण पैदा कर रहे हैं। उसके बाद ये जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर पड़ गया, चुप हो गया, तो मैं आपको दो बात बता दूं। 1,33,000 जो फिजिकल और मेडिकल कर लिया, 24 से 28 जिसको नौकरी नहीं मिलेगी एक वो बख्श, 7,000 से 12,000 ये लोग इंतजार कर रहा है कि कोई और नौकरी मिल जाए। तो जो 1,00,000 से 13,000 जिसकी उम्र क्रॉस कर गई और 24 से 28, 23 के पहले ये 17 के बीच में कहते हैं और 23 आते आते ख़त्म, तो अनसिक्योर्ड लाइफ। हम यदि आपको किसी को बोलेंगे कि तुम 10 बजे 10 घंटा के बाद मर जाओगे, तुम तो पहले ही मर जाओगे। तो इस सरकार ने कंप्लीट मारने की तैयारी कर लिया हर आदमी को। तो इसीलिए इससे हमारा सीमा भी असुरक्षित हो गई और जो डर था पाकिस्तान और चाइना और अन कंट्री को कि वहाँ की फौज मर के भी, लड़ के भी, जान दे के भी हमें जीतने नहीं देगी, वो असंटेड, उसको हमने असुरक्षा की भावना करके मरने का जज्बात को कम कर दिया। क्योंकि मैं क्यों मरूँ 3 साल तक हम चुपचाप चले जाए यहाँ से, ना नौकरी, ना सैनिक का नाम, ना शहीद का नाम, ना सैनिक का नाम। पहले तो आप बता दीजिए भारत के नौजवानों को, सैनिक नहीं लगेगा। वो जो कुछ लड़के से मोदी भक्त लिखवाते हैं सैनिक है, सैनिक में जाएंगे 4 साल के लिए जाएंगे, ये जो गोधना से गोधा लिए हैं मंगनी के चंदन ये मोदी, उसको आप बताइए कि वो सैनिक नहीं है। रिटायर के बाद वो सैनिक शब्द नहीं होगा उसके पीछे, शहीद नहीं होगा, अनुकंपा नहीं होगा, और वो 11,00,000 इसी के कटौती का पैसा होगा। इसीलिए हमारे मित्र और हम लोग के नेता से गोधा लिए हैं मंगनी के चंदन ये मोदी, उसको आप बताइए कि वो सैनिक नहीं है। रिटायर के बाद वो सैनिक शब्द नहीं होगा उसके पीछे, शहीद नहीं होगा, अनुकंपा नहीं होगा, और वो 11,00,000 इसी के कटौती का पैसा होगा। इसीलिए हमारे मित्र और हम लोग के नेता, इधर रघुपति बाबू, इधर दिनेश बाबू, और उधर राघवेंद्र कुशवाहा जी, और पीछे जिन लोगों ने, अनुपम जी, हिमांशु जी हमेशा दिल्ली में सोशल कॉज को लेकर के कंट्री, जब भी जैसे गिरफ्तार कल आपने कर लिया, नुपुर ने इतनी बकवास गाली दी उसको नहीं गिरफ्तारी हुआ। लेकिन एक टिप्पणी मात्र नुपुर के कारण हुई, उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो यह जेल से अभी तिहार से आए, इन लोगों ने आज बिहार के बच्चों को ये बताने के लिए
कि हम सबको खड़े होने की जरूरत है। हमें इन लोगों के बारे में पता चला तो मैं अपना सारा कार्यक्रम, जबकि दो दो मर्डर हमको लगा कि वो कोलैप्स कर देने, भारत के फौज पर और भारत की सुरक्षा पर हमला नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसकी आत्मा पर हमला किया। नरेंद्र मोदी जी, हमको तो शक है कि बिपिन रावत को किसी ने मरवा दिया हो, क्योंकि उन्होंने सैनिक अत्यधिक सैनिक की उम्र बढ़ाने का उन्होंने लगातार ये चर्चा उठाई थी। अब जो हमारे सबसे बड़े बाना सिंह परमवीर चक, उसको भी आप डरा दिए, 18 साल का चंद्रजीत यादव को भी डरा दिए, तो आप तो सबको खौफ के और डर के साये में रखना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान में रक्षा मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, रक्षा सेक्रेटरी जो कह दे वही चाहिए। दो व्यक्ति ही इस कंट्री को चलाएगा, इस दोनों व्यक्ति को कौन चलाएगा? ये दोनों व्यक्ति को चलाएगा कॉरपोरेट गुजराती, जिसकी इक्विटी चाइना में ज्यादा इन्वॉल्व, मनी इक्विटी जो बिजनेस का है, 7 गुजरातियों का चाइना में सबसे ज्यादा वो तय करेंगे, महिंद्रा कंपनी के मालिक तय करेंगे। अनिल अंबानी जी को हथियार करने के लिए पैसा कहां से आएगा वो तय करेंगे। इन लोगों को डिसिप्लिन और जनता के पैसे के द्वारा ट्रेनिंग करके व्यक्ति चाहिए, आम आदमी की चिंता नहीं। सही, सभी लोग हिंदुस्तान के कह रहे हैं, मैं तो कहा कि मेरा हम पेंशन वैसे लेते भी नहीं। तो भारत के फौज के लिए हम बिजली, पानी, रेलवे, पेंशन, इसको छोड़ दो, पहले नेता और जो सीनियर पदाधिकारी है, पहले जो जिसको 2 लाख 4 लाख 1 लाख से ऊपर का तनख्वाह है वो पेंशन छोड़ दे। सर योजना जो फ्री स्कीम योजना है, पहले सुनिए सर, फ्री स्कीम योजना को समझने का प्रयास करो, उसको बंद कर दे भारत में प्राइम मिनिस्टर, और उसके पैसे का पेंशन फौज को दे। तो ये जो सत्ता, कुर्सी और पॉलिटिकल सिस्टम को जिंदा रखने के लिए हम कैसे आएंगे, एक तरफ चावल और 3 महीना पहले अनाज दे करके और सारी चीजों की चीजों को बढ़ा देंगे, तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। यह जो अग्निवीर और अग्निपथ की स्कीम्स है, ये कोई नरेंद्र मोदी या अमित शाह की उपज नहीं है। अब अजीत डोभाल, जो डरे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर जवान हर किसान का हम ही तो पाप है। रुके न जो, दबे न जो, डरे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर जवान हर किसान का हम ही तो पाप है। रुके न जो, लड़ रहे इसलिए कि देश मेरा बढ़ सके, लड़ रहे हैं इसलिए कि देश मेरा बढ़ सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, शहरों और गांव के, अमीरों और गरीबों के फर्क को मिटाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे। रुके न जो, दबे न जो, डरे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर जवान हर किसान का हम ही तो पाप है। रुके न जो, अभी लोग